अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने मोबाइल पर प्रोफेशनल किस्म की ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ में लगे बेल के आइकन को हल्का सा टच करके ऑल पे कर दें ताकि हमारी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको परफेक्ट मिलता रहे। डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पिक्सआर्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये जज करेंगे कि इसे पिक्सआर्ट को ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के लिए किस हद तक मोबाइल में यूज़ किया जा सकता है और इसके बेसिक फंक्शंस कौन से हैं। बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन होगा, तो पिक्सआर्ट को हम सिंपली ओपन करते हैं मोबाइल में। तो इसे स्टार्ट करने के लिए पिक्सआर्ट मोबाइल में ओपन करके इसे स्टार्ट करने के लिए आपने सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करना है तो इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। लेकिन बात है इसके डाउनलोड करने की, तो ये प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है। हम प्ले स्टोर को ओपन करते हैं और यहाँ पे आपने सर्च करना है पिक्सआर्ट। जैसे मैंने पहले सर्च किया पिक्सआर्ट तो ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो आपने यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लेना है, मैंने पहले से इंस्टॉल किया। आप देख सकते हैं तो कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, 11 मिलियन इसके व्यूज़ हैं, तो इतनी ज़्यादा MPs भी नहीं है। तो आपने इसे इंस्टॉल करके इजीली अपने मोबाइल फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। लैंडस्केप मोड पे हमने पिक्सआर्ट को ओपन कर लिया है, तो आज हम सिर्फ इसके टूल्स को आपको दिखाएंगे, इसका आउट फेस के इसमें फंक्शंस कौन से हैं और इसके जो सारे कंप्लीट टूल्स हैं वो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो ऑल टूल्स हैं इनका क्या फंक्शन है। बेसिकली इसमें इफ़ेक्ट्स हैं कुछ, इसके अलावा आप इसे क्रॉप भी कर सकते हैं, फ़ोटो को कोई सा स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से कोई टेक्स्ट भी राइट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से सिंपली राइट करता हूँ KP डिजिटल इंस्टीट्यूट, KP डिजिटल इंस्टीट्यूट, KP डिजिटल इंस्टीट्यूट। इसमें बहुत से कलर भी अवेलेबल हैं, आप इसे जोन सा मर्जी कलर दे सकते हैं। बहुत ही बेस्ट क्रिम की एप्लीकेशन है, लेकिन आपको इसका यूज़ करना चाहिए और इसका यूज़ आना चाहिए। लेकिन कलर के भी बहुत से फंक्शंस हैं कि आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। बाद में इसे सेव करने के लिए ये टिक के आइकन के क्लिक करते हैं और इसके बाद ये एरो का आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये फ़ोटो सिंपली सेव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके टूल्स और कंप्लीट इसकी डिटेल्स और इसके जैसे मैं थंबनेल बना रहा हूँ, बेसिकली जो प्रेजेंट वीडियो का थंबनेल है इसके बनाने का तरीका भी इसे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर।